सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वीवो के T2 प्रो की। अगर आप 25,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में कोई अच्छा फ़ोन देख रहे हैं जो कि आपको स्लिम होने के साथ में अच्छे लुक्स भी ऑफर करता हो और साथ में आपको उसमें मिले कर्व डिस्प्ले भी, तो आपके लिए जो फ़ोन है काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकता है। सबसे पहले अगर बात करें इस फ़ोन की पैकेजिंग की, तो इस तरह के वाइट कलर के बॉक्स में जो फ़ोन है आपको देखने को मिलता है, जहां पे सबसे ऊपर आपको वीवो और T2 Pro की जो ब्रांडिंग है वो मिलने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें ऊपर वाले हिस्से की, तो यहां पे आपको बताया गया कि जो फ़ोन है न्यू बोन ब्लैक कलर का है और साथ में आपको इसमें 8GB रैम और 256GB की जो स्टोरेज है वो मिलने वाली है। और साथ ही अगर बात करें यहाँ पे कुछ की हाइलाइट्स की, तो इस फ़ोन में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी कैपेबल प्रोसेसर है। और साथ ही इस फ़ोन में आपको मिलने वाला है 120Hz की रिफ्रेश रेट वाला एक 6.78 इंच का डिस्प्ले, जो कि AMOLED डिस्प्ले है। और साथ ही इस फ़ोन में आपको 64MP का ड्यूल रियर कैम मिलता है, जहाँ पर आपको OIS का भी सपोर्ट मिलने वाला है। तो चलिए टॉप लिड को हटाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना जो फ़ोन है वो एक प्लास्टिक के रैप के अंदर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ जो पेपर वर्क है वो भी देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पे वारंटी के बारे में, फ़ोन के बारे में जो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक क्लियर प्लास्टिक का TPU केस भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है। TPU केस के बिल्कुल नीचे आपको मिलता है वीवो का ये चार्जिंग ब्रिक, जो कि फ्लैश चार्ज को सपोर्ट करता है और ये आपको आउटपुट देगा 66W का, जो कि आपके फ़ोन की 4600mAh वाली बैटरी को बहुत क्विकली चार्ज कर देगा। इसके अलावा वीवो आपको साथ में एक चार्जिंग केबल भी दे रहा है, जो कि USB टाइप ए से टाइप सी वाली है। और साथ में आपको यहाँ पे जो सिम इजेक्टर टूल है वो भी देखने को मिल जाता है। तो वीवो अपने बॉक्स के अंदर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो ऑफर कर रहा है। तो चलिए फ़ोन के प्लास्टिक रैप को हटाते हैं और देखते हैं कि फ़ोन कैसा देखने को मिलता है। तो गाइज़ ये फ़ोन है 175 ग्राम का है, जो कि काफ़ी लाइट वेट है। इसके अलावा यहाँ पे इस फ़ोन में आपको जो कर्व डिस्प्ले है वो भी देखने को मिल रहा है, जो कि AMOLED डिस्प्ले है और 6.78 इंचेस का है। तो काफ़ी अच्छा ये फ़ोन है, देखने में काफ़ी सुंदर लगता है और काफ़ी स्लिम भी है और काफ़ी लाइट वेट भी है। फ़ोन की जो राइट हैंड साइड है वो आपको बिल्कुल क्लीन देखने को मिलती है, लेकिन पीछे की तरफ आपको मिलता है ड्यूल रियर कैम सेटअप, साथ में LED फ्लैश, वीवो की ब्रांडिंग और नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल, USB टाइप सी पोर्ट और साथ में सिम ट्रे जो है वो देखने को मिल जाती है। फ़ोन के ऊपर की साइड आपको मिलती है प्रोफेशनल पोर्ट्रेट की ब्रांडिंग और साथ में सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये फ़ोन देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है, क्योंकि काफ़ी स्लिम भी है, काफ़ी लाइट वेट भी है और दिखने में काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी प्रीमियम फ़ोन की आपको ये जो फीलिंग्स है वो देने वाला है। इसके अलावा इस फ़ोन में आपको 16MP का जो सेल्फी शूटर वो मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी सेल्फीज क्लिक करता है। और जो रियर कैम है वो यहाँ पे आपको मिलता है ड्यूअल रियर कैम सेटअप, जहाँ पे प्राइमरी जो सेंसर है वो 64MP का है, OIS को सपोर्ट करता है, और जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 2MP का, जो कि यूजलेस है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे इस फ़ोन के OS और UI की, तो गाइज ये जो फ़ोन है Android 13 पर रन कर रहा है और साथ में इसमें आपको मिलता है वीवो का इन होम अपना ही फन टच OS, जो कि आपको एक ठीक ठाक सी जो एक्सपीरियंस है वो ऑफर करने वाला है। और यहाँ पे इस फ़ोन में आपको कुछ ब्लॉटवेयर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन आप चाहें तो उनको इजीली अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, वो कोई बड़ी हेडेक नहीं है। इसके अलावा काफ़ी डिसेंट सा फ़ोन है, दिखने में काफ़ी अच्छा है, कैमरा भी काफ़ी ठीक ठाक है। और अगर आप चाहें 25,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में, तो ये फ़ोन आपको एक अच्छी ऑफरिंग प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल है वो ऑन कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे आपको इसी तरह की जो वीडियोज़ है वो मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर नई अपडेट्स के साथ में।